नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे गरीब लकड़हारे और लालची बुढ़िया की कहानी। किसी गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम धनु था। धनु आसपास के जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, किंतु अब वे सब जंगल, वन, वो सब ठेकेदारों ने खरीद लिए थे, जिससे धनु को अपने परिवार को पालना मुश्किल हो रहा था। उसके परिवार को कई बार भूखा ही सोना पड़ता था। अब इस बात से वह और उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गए थे। एक दिन धनु की पत्नी ने उससे कहा, जी, ऐसे तो हमारे बिल्कुल भूखे मरने के दिन आ जाएंगे, तुम कुछ और काम ही करना शुरू क्यों नहीं कर देते? हाँ भाग्यवान, तुम कहे तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन हमारे गांव में तो और कोई काम धंधा भी नहीं है और मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। धनु ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी पत्नी से कहा, मेरी समझ में एक बात आ रही है कि क्यों ना तुम शहर चले जाओ, वहाँ तो कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। पत्नी ने उसे सलाह दी। हाँ, तुम ये ठीक कह रही हो, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले ही दिन धनु की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, ये 7 रोटियां हैं, इनमें से तुम रोज एक एक रोटी खाया करना। और इस तरह ये 7 रोटियां 7 दिन तक चलेंगी। 3 दिन तुम्हें शहर जाने में लगेंगे और शहर जाकर अगले 4 दिनों में तुम्हें कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। फिर तुम खूब मेहनत करके अपना और हमारे परिवार के लिए खूब पैसे कमाना। तब तक यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम घर की तरफ से बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर धनु अपनी पत्नी से रोटियां लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगल को पार करता करता शाम को जब धनु थक कर चूर हो गया, तो वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोटियों की पोटली खोलने से पहले अपने आप से बुदबुदाने लगा, यह 7 हैं, एक को आज खाऊंगा, आज मंगलवार है, एक को कल बुधवार को खाऊंगा, तीसरी को बृहस्पतिवार को खाऊंगा, चौथी शुक्रवार के काम आएगी, पांचवी को शनिवार को, छठी को इतवार को और 7वीं को सोमवार को खा जाऊंगा। इस प्रकार ये सब खत्म हो जाएंगी। भाग्यवश जिस वृक्ष के नीचे बैठा धनु ये बातें कर रहा था, उसी वृक्ष पर 7 नन्ही परियां विश्राम कर रही थी। उन्होंने जब लकड़हारे की बातें सुनी तो वे बहुत डर गईं और सोचने लगी, अरे यह आदमी तो हम सबको खाने की बातें कर रहा है। वे वृक्ष के नीचे उतरी और हाथ जोड़कर धनु के सामने खड़ी हो गईं। उनको अपने सामने खड़े होते देखकर धनु की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि 7 परियों जैसी सुंदर कन्याएं उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। अंतर केवल इतना था कि उन कन्याओं के पंख नहीं थे, वरना तो अपने रूप सौंदर्य में वे कहीं भी परियों से कम नहीं लग रही थी। धनु ने स्वयं को शांत किया और फिर बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? उन 7ों में से एक ने उत्तर दिया, हे मानव, वास्तव में हम परियां हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानी कर दी थी, जिस कारण हमसे हमारे पंख छीन लिए गए हैं। हमें 1 महीना पृथ्वी पर ही बिताने की सजा दी गई है। हम दिन भर जंगल में नाचती कूदती रहती हैं और रात में इस वृक्ष पर आकर आराम करती हैं। मेहरबानी करके हमें मत खाओ, अगर आपको कोई कष्ट हो तो
तो आप हमें बताओ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उनकी बात सुनकर धनु पहले तो बहुत डर गया, हैरान भी हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में सारी बातें आने लगी। उसने अपनी गरीबी के हालात बताते हुए कहा कि मैं शहर में नौकरी करके कुछ धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। धनु की गरीबी की हालत सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उस परी ने उसको पीतल की एक पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम इस पतीली को ले लो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हें जब भी भूख लगे तो इस पतीली में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चढ़ाते हुए तुम जो कुछ भी खाना चाह रहे हो उसे मुख से कह देना, तो पतीली में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा और इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। परी की आश्चर्यजनक बातें सुनकर धनु लकड़हारे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वह पतीली अपने हाथ में ले ली और परियों को धन्यवाद दिया। फिर वे परियां तो पुनः उसी वृक्ष पर चढ़ गईं और धनु वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे रात हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, परंतु जल्द ही उसे वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। धनु ने रात वहीं बिताने की बात सोचकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। धनु ने उससे वहां रात बिताने के लिए अनुमति मांगी। बुढ़िया ने धनु को वहां ठहरने के लिए अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा और फिर वह उससे इतनी रात गए आने का कारण पूछने लगी। तब सीधे साधे धनु लकड़हारे ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। धनु की कहानी सुनकर जंगल में उस बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि लकड़हारे की पतीली चुरा ली जाए तो वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। इसलिए जब धनु लकड़हारा सो गया तो बुढ़िया ने उस पतीली जैसी एक अन्य पतीली रख दी और वह खुद भी सो गई। सुबह उठकर धनु ने दूसरी पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। वह खुश होता हुआ अपने घर जा रहा था। जब वह घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने पति को 7 दिन का खाना बना कर दिया था और शहर जाकर कुछ काम ढूंढने के लिए कहा था, परंतु वह तो दूसरे ही दिन वापस आ गया। तब उसने आश्चर्य से अपने पति से पूछा, क्यों जी, मैंने तो तुम्हें 7 रोटियां 7 दिन के लिए बना कर दी थी, तुम दूसरे दिन ही वापस लौट आए। क्या हम इसी तरह भूखे ही मरते रहेंगे? तुम्हारी काम करने की कोई इच्छा है भी या नहीं? पत्नी के गुस्से को देखकर धनु ने उसे मजे लेकर सारी कहानी सुनाई और पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसने चूल्हे में आग लगाई और धनु चूल्हे के पास बैठ गया। उसका मन दाल चावल खाने को कर रहा था। चूल्हे पर पतीली रखते समय उसने यही कह दिया। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। काफी देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। वह उबल उबल कर कम होता जा रहा था, लेकिन पतीली में दाल चावल का नामो निशान नहीं था। बहुत देर तक जब यही सब चलता रहा तो उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, अब तो बहुत देर हो गई है, कहीं दाल चावल पतीली में जल ना जाएं। कहो तो मैं चूल्हे से पतीली उतार लूं। हाँ भाग्यवान, अब तो काफी देर हो चुकी है, तुम पतीली को चूल्हे से नीचे उतार लो। और जैसे ही धनु की पत्नी ने पतीली को पकड़कर चूल्हे से नीचे उतारा तो उसमें दाल चावल तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं थे और पहले जितना पानी भी नहीं रह गया था। यह देखकर धनु बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अब वह सीधा शहर ही जाए, रास्ते में किसी के चक्कर में ना पड़े। धनु यह सोचकर कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है, क्रोध में भरकर अगले दिन फिर शहर की ओर चल दिया। उसने अपनी पत्नी से यही कहा कि इस बार वह सीधे शहर ही जाएगा। लेकिन धनु मारे गुस्से के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहीं बैठकर उसने
फिर से वही आवाजें लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर वे परियां फिर से वृक्ष के नीचे उतरी और पूछने लगी कि पतीली का क्या हुआ। अब धनु ने आक्रोश में आकर सब कुछ बता दिया। धनु लकड़हारे की बात सुनकर उन्होंने उसे इस बार एक हाथ की चक्की दी और बताया कि चक्की में बिना गेहूं डाले भी अगर वह आटा निकालना चाहे तो निकाल सकता है, और यदि उससे बनी बनाई रोटियां निकालना चाहेगा तो वह भी उस चक्की में से निकाल सकता है। धनु ने परियों से चक्की ली और फिर पहले की ही तरह अपने गांव की तरफ बढ़ चला। रास्ते में फिर उसे रात हो गई। घना जंगल होने के कारण वह उस समय आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए फिर उसी बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने के उद्देश्य से वहीं ठहर गया। उस रात बुढ़िया ने उसकी अच्छी आवभगत की, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, फिर उसने उससे आने का कारण पूछा। सीधे साधे धनु लकड़हारे ने फिर से उसे अपनी सारी कहानी बता दी। बुढ़िया ने पहले की तरह ही धनु की चक्की चुरा कर वैसी ही दूसरी चक्की वहां रख दी। धनु सुबह को उठा, बुढ़िया से विदा ली और चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। और जैसे ही धनु अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी आग बबूला होते हुए बोली, लगता है फिर किसी की बातों में आकर शहर काम ढूंढने नहीं गए। धनु ने अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करके उसे उस चक्की के विषय में सब कुछ बताया। भला चक्की चलाने पर उसमें से क्या निकलने वाला था, क्योंकि वह जादुई परियों वाली चक्की नहीं बल्कि साधारण चक्की थी, सो कुछ भी नहीं निकला। लकड़हारे की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोली, लगता है तुम्हारे साथ फिर से किसी ने दगा किया है और तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। अब तक तो तुम शहर भी पहुंच गए होते। जाओ, मेरा कहना मानो, शहर जाओ और इस बार पतीली और चक्की के जादू की कहानियां लेकर साथ में मत लौटना। बस शहर जाना और कुछ काम पाकर ही वापस आना। धनु लकड़हारा फिर गुस्से में भर गया। जंगल में उसी वृक्ष के नीचे पहुंचकर जोर से चिल्लाने लगा, आज मैं तुम सातों को जरूर खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाजें सुनकर सातों परियां एक एक करके वृक्ष से नीचे आईं और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी और बोली, मानव हम भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाएंगी? जो भी हमने तुम्हें चीजें दी थी उनमें जादुई शक्तियां थी। लगता है तुम्हारे साथ और कोई धोखा कर रहा है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से सीधे अपने घर ही जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते हो? हमें ठीक ठीक पूरी बात बताना। तब धनु लकड़हारे ने दोनों दिन बुढ़िया की झोपड़ी में रुकने वाली बात बताई। तब परियों ने कहा, हे मानव, हमें ऐसा लगता है कि वह बुढ़िया लालची है और वही तुम्हें धोखा दे रही है। अब तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और उस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर डंडे से कहना कि जिसने भी तुम्हारी पतीली और तुम्हारी जादुई चक्की को चुराया है उसे पीटना शुरू कर दो, चाहे वह बुढ़िया हो या अन्य कोई। फिर डंडा उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक कि वह तुम्हारी दोनों चीजें तुम्हें वापिस नहीं कर देते। डंडा लेकर धनु फिर वहां से चल दिया और पहले की तरह आज भी वह बुढ़िया की झोंपड़ी में गया। बुढ़िया उसे देखते ही बहुत खुश हो गई कि आज फिर से कोई जादुई वस्तु प्राप्त होगी। तब बुढ़िया के पूछने पर धनु ने जवाब दिया, जादू की चीजें लाने का क्या फायदा है अम्मा, क्योंकि जब मैं उन्हें अपने घर ले जाता हूँ तो वे काम ही नहीं करती हैं। लगता है मुझे अपने दिन गरीबी में ही काटने पड़ेंगे। फिर बुढ़िया ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह उठकर धनु लकड़हारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बुढ़िया उसे विदा करने बाहर तक आई। तब धनु ने डंडे को हाथ में लेकर कहा, हे मेरे प्यारे डंडे, जिसने मेरी चीजें चुराई हैं उनको तब तक मारना जब तक कि वो मेरी चीजें वापिस ना कर दे। फिर क्या था,
धनु का इतना कहना था कि वह डंडा उस बुढ़िया पर दनादन बरसने लगा। बुढ़िया भागकर इधर उधर छुपने लगी, लेकिन वह जहां भी जाती डंडा उसकी पिटाई करता रहा, उसके पीछे पीछे जाता रहा। बुढ़िया धनु के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटे तुम्हारी दोनों चीजें मेरे ही पास हैं, मैंने ही लालच में आकर उनको बदल दिया था। अब अपने डंडे से कहो कि वह रुके और मुझे ना मारे, मैं तुम्हें दोनों चीजें तुम्हारी वापस ला कर देती हूँ। ने चुपचाप जादुई पतीली और जादुई चक्की दोनों धनु को दे दी और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। धनु को देखते ही उसकी पत्नी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह बोली, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, न जाने कहां कहां से चीजों को उठा लाते हो जो कि किसी काम की नहीं होती। पर इस बार धनु ने उसे शांत करते हुए सारी बातें बताई और फिर से उन चीजों को प्रयोग करने के लिए कहा। उसका प्रभाव देखकर धनु की पत्नी और उसके बच्चे बेहद खुश हो गए और फिर वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।